वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है वार्ट्स। वार्ट्स एक आज के समय में आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के हो जाता है, और जिसको हिंदी में हम लोग मशा बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों के गले में हो जाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल गले में होता है। वार्ट्स आखिर में है क्या, क्यों होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वार्ट्स एक वायरस की वजह से ये जनरेट होता है, उसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से हमारी एपिथेलियम, जो स्किन का जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है, वहां पर एक हार्ड स्किन हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो हमारी स्किन की टॉप लेयर है। फिर वहां पर स्किन कभी कभी रफ भी होती है, और वो एक वार्ट का रूप ले लेती है। ये एक फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वार्ट्स हमारे कहां कहां होते हैं। ये देखिए, नेक के पोर्शन में हो सकता है, आईज के पोर्शन में हो सकता है, इवन पैर का जो फिट है वहां भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पोर्शन में हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट वो ह्यूमन बॉडी के नेक में होता है। वार्ट्स, टाइप ऑफ द वार्ट्स, वार्ट्स हमारे कितने टाइप का होता है। कॉमन वार्ट्स आप सभी देखते हैं कि नेक में हो जाता है, फेस में हो जाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है। फ्लैट वार्ट्स, वार्ट्स आपको देखने में ये लगेगा नहीं कि ये वार्ट्स है, लेकिन एकदम फ्लैट होता है, स्किन के साथ में एकदम मिला हुआ होता है। कॉमन जो वार्ट्स रहता है, जस्ट लाइक एक ग्रेप्स बंच की तरह भी आ जाता है, एक ओवर ग्रोथ टाइप की आ जाती है। प्लेंटार वार्ट्स, ये भी बॉडी के पार्ट्स में ही होता है। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म वार्ट्स, ये देखेंगे जो अपर आईलिड आंखों के पास में होता है, वहां पर होता है। पेरिनुअल वार्ट्स, ये ज्यादातर ये हैंड के फिंगर्स में होता है। एंड जिनेटल वार्ट्स, जिनेटल एरिया में होता है, जिसको हम लोग गुप्त अंग में बोलते हैं, कि वहां के उस पोर्शन में भी हो जाता है। तो ये तो हमारा टाइप था कि किस किस टाइप के ये हमारे वार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिसिन पर। आप सोचते होंगे क्या ये होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि कोई हेयर से टाइट करके उसको खींच के उससे ब्रेक डाउन करें, या कोई चूना लगा लेते हैं, या कुछ लाइक दैट समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें लगा करके, बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ये सब चीज़ें लगाने से और भी ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, और भी ज़्यादा वहाँ पर सेल्स डैमेज हो सकते हैं, स्किन सेल। ये देखा गया है, और आपके परिवार में भी कोई ना कोई इफेक्टेड होगा, या आपके जानने वालों में कोई ना कोई इफेक्टेड होगा। एक मेडिसिन बहुत फेमस है जिसका हम नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलीस,
ऑल टाइप, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर वार्ट है तो ये थूजा ऑक्सीडेंटलीज बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है। हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में 30 पोटेंसी से लेके 1 mg या 10 mg, कभी कभी 50 mg जाना पड़ता है, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मोस्टली 200, 1 mg, 10 mg तक में ही ठीक हो जाता है। बट हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं वो हमें टैली करने होते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि बहुत जल्दी मेडिसिन काम करती है और अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो थूजा ऑक्सीडेंटलीज अगर मान लेते हैं 30 पोटेंसी में लेते हैं, जो 4 बूंद करके दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में हम लेंगे, 1 वीक तक हम लेंगे, 1 वीक तक देखेंगे, अगर हमको रिजल्ट मिलता है और कुछ परसेंट काम होता है, मान लेते 10%, 20%, तो नेक्स्ट आई विल गो 200। 200 पोटेंसी दिन में 1 बार मॉर्निंग सुबह में 4 बूंद करके देखेंगे, 4 से 5 दिन ले लेंगे। इसके बाद में हम वीकली 1 डोज कर देंगे, कुछ दिन लेने के बाद में देखेंगे, हो सकता है कि ये 2 पोटेंसी से ही पूरी तरीके से ठीक हो जाए। फिर भी अगर नहीं ठीक होता तो हम 1 mg में जाएंगे। मेडिसिन अगर काम कर रही है तो मेडिसिन चेंज नहीं करेंगे, केवल हमें पावर चेंज करना है, और कोई भी मेडिसिन हमें लंबे समय तक नहीं लेना है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, कोई होम्योपैथिक कंसल्टेंट हो उसके ही माध्यम से हमें लेनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर आपको बताएगा, चिकित्सक आपको बताएगा कि ये मेडिसिन कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है, उसका कितना इफेक्ट होगा, वो हमें डॉक्टर पूरी तरीके से बताएगा। तो ये ध्यान रखें, मेडिसिन मैं कई बता रहा हूँ, मेन हमारी ये 4 टॉप मेडिसिन है जिनकी वजह बहुत अच्छा काम होता है, फिर भी आप अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क में रहें और पूछें, कंफर्म करके ही मेडिसिन लें। अपने आप से कभी भी ट्रीटमेंट मत करें, कोई भी चिकित्सक आपके आसपास हो उससे जरूर आप सलाह लें। नेक्स्ट है थूजा रोल एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ऑल टाइप, ये किसी भी टाइप का अगर ये हमारा वार्ट्स रहता है, वो चाहे जेनेटल एरिया में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में हो या नेक में हो, फेस में हो, थूजा रोल ये एक्सटर्नल अप्लाई के लिए। नेक्स्ट वन है, वहाँ पर ये एक्सटर्नल अप्लाई में वहाँ जस्ट एक उसको लगाना है बाहर से अंदर, इसको पीना नहीं है, सिर्फ जिस पोर्शन में वाट्स है वहाँ पर हम लगाएंगे मसा के ऊपर। नेक्स्ट है कास्टिकम। तो थूजा ऑक्सीडेंटलीज में नॉर्मल वाट्स रहते हैं, ठीक है, कास्टिकम थूजा जस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि जैसे ग्रैप्स होते हैं उनका बंच, उस टाइप से हो सकते हैं, एक आदमी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कास्टिकम, कास्टिकम में हॉर्नी टाइप के रहेंगे, हॉर्न का मतलब होता है क्या, सींग होता है, जैसे जानवर की सींग होती है ना, तो ऊपर जो हॉर्न होगा उस शार्प एज होगी, हॉर्नी टाइप के, वो कास्टिकम हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी थूजा ऑक्सीडेंटलीज फेल्योर हो जाती है, या थूजा ने जहाँ तक काम किया है कुछ पार्ट रह गया है, तब हम कास्टिकम ले सकते हैं। अगर हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि हॉर्नी टाइप के हैं तो डायरेक्ट भी हम कास्टिकम से ही स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, कास्टिकम में भी सेम वही रहेगा, अगर 30 पोटेंसी है तो 4 बूंद करके हम दिन में 3 बार लेंगे 1/4 कप पानी में 1 सप्ताह तक, फिर रिजल्ट अगर देखेंगे कि रिजल्ट मिल रहा है 10%, 20% या और भी ज़्यादा, हो सकता है ठीक भी हो जाए, तब हम 200 पोटेंसी में जाएंगे और उसको हम केवल मॉर्निंग में 1 डोज करके ही लेंगे, 4 से 5 दिन तक ले लेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट और भी अच्छे आ गए तब वीकली सप्ताह में 1 बार करके ले लेंगे, कुछ सप्ताह तक देखेंगे पूरी तरीके से क्योर हो गया। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो हम 1 mg की तरफ जाते हैं, उसको हम सप्ताह में 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि पोटेंसी कैसे हमें लेनी है, कितनी बार लेनी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई अपने
एक योग्य चिकित्सक के पास जाकर के एडवाइस लेंगे तो बिना किसी प्रॉब्लम के वार्ट्स कंप्लीटली क्योर हो जाएंगे, 100% क्योर हो जाएंगे। नाइट्रिक एसिड में इन वार्ट्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी कभी पस भी बन जाता है। नेक्स्ट है मेडोरनम वीकली। ये जो वार्ट्स का कभी कभी टेंडेंसी होता है तो उसको हमें रोकने के लिए मेडोरनम वीकली एक डोज करके हम 1 mg का ले सकते हैं, और ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 से 2 डोज ही लेंगे, 4 बूंद करके सुबह खाली पेट, सप्ताह में 1 बार। आराम मिल गया है तो 1-8 डोज महीने में एक डोज हम रिपीट कर लेंगे, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 डोज से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है डलका मारा। ये फ्लैट एकदम स्किन से चपका हुआ जैसे महसूस होगा, थोड़ा हार्ड हार्ड होगा, नॉर्मल सॉफ्ट भी हो सकता है, तब हम वहाँ पर डलका मारा मेडिसिन लेंगे। बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा काम करती है। अगर 30 potency है तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार हम 5 से 6 दिन तक ले सकते हैं। देन फिर हमें 200 डेली 4 बूंद सुबह खाली पेट 3 से 4 दिन लेंगे, हम देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर भी अगर कुछ अगर रह जाता है तो हम 1 mg की कुछ डोजेस वीकली 4 बूंद 1/4 कप पानी में ले लेंगे, सप्ताह में 1 बार, नॉट 2 बार 3 बार दिन में, नहीं, रिपीट नहीं करना है, ये ध्यान रख लीजिए। मेडिसिन मैं इतनी बता रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन जिस सिम्टम्स के साथ रिलेटेड है वही मेडिसिन देंगे, सभी मेडिसिन नहीं देंगे। ये नहीं मैंने सारी मेडिसिन बता दी तो सारी मेडिसिन खाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कमेंट्स में क्वेश्चन भी आया था कि सर जितनी आपने मेडिसिन बताई है सारी खानी है क्या? अरे सारी नहीं खानी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस मेडिसिन का सिम्टम्स आपके बॉडी में मिल रहा है वही खाना है। नेक्स्ट है एंटीएम क्रूड 30 and 1 mg एट फिट। ज़्यादातर ये पैर में होता है, उसको कॉर्न भी बोलते हैं, लेकिन वाट्स भी होता है, उस कंडीशन में 30 से 1 mg के बीच में हम ले सकते हैं, अगर फिट में, पैर में, पैर के तलवे में। अगर 30 potency लेना 4 बूंद करके दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में हम उसको लेंगे, 200 अगर लिया है तो दिन में 1 बार 3 से 4 दिन तक लेंगे। फिर भी अगर रह गया तो 1 mg को सप्ताह में 4 बूंद करके 1-2 डोज ले करके हम उसको क्लोज कर देंगे और वो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। हमें वेट एंड वॉच जरूर करना है, ये नहीं मेडिसिन खाया तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आती है लोकल एप्लीकेशन, आर्निका मदर टिंचर, सॉरी केवल आर्निका लिखा है, आर्निका मदर टिंचर फॉर एक्सटर्नल यूज अपर एक्सट्रीमिटी। अगर ऊपर के हिस्से में, पैर में, फेस में, नेक में अगर कहीं होता है तो वहां पर आर्निका मदर टिंचर को एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे। मदर टिंचर लेकर के जहां जहां पर वार्ट्स है हम कॉटन से या हाथ से उसको हम लगा लेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर कहीं पर आता है, कमर के नीचे के हिस्से में अगर कहीं पर आता है, तब हम हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, कमर के ऊपर वाले पोर्शन में आर्निका मदर टिंचर हम लगाएंगे और कमर के नीचे वाले पोर्शन में हम हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हम उसको लगाएंगे, देखेंगे कुछ दिनों बाद में कंप्लीटली क्योर हो जाता है। आई थिंक ये हमारा एक छोटा वीडियो एक छोटे टॉपिक के साथ में था, बट देखने में छोटा टॉपिक लग रहा था, लेकिन जब ये किसी के होते हैं तो उनको बहुत भद्दा लगता है, इसलिए ये मैंने सोचा चलिए एक वाट्स पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आई थिंक हमारा ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपने पेशेंटली हमारे इस वीडियो को सुना, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। हाँ, जो हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर दें। नेक्स्ट क्या वीडियो होगा उस पर आप जरूर हमको एडवाइस दें, हम आपके लिए नया वीडियो नए टॉपिक के साथ में बना करके हम लाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।